सेवरा के ग्राम लमखना में 52 वर्षीय अधेड़ की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक के गांव के रहने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक का मृतक से 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद की रंजिश के कारण युवक ने डंडे से सिर पर वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सिहोरा के ग्राम लमकना में रीछी निवासी 52 वर्षीय अधेड़ शिव सिंह गौंड की हुई अंधी हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। शिव सिंह गौंड की हत्या के मामले में गांव के रहने वाले 19 वर्षीय निखिल पटेल की गिरफ्तारी की गई है। एसपीटी के विद्यार्थी ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि शिव सिंह गौंड गांव के निखिल पटेल के साथ मिलकर हार्वेस्टर चलवाता था और दोनों किसानों से पैसा एकत्रित करते थे। निखिल इसके बदले में शिव सिंह गौंड को 300 रुपए देता था और बाकी रकम मालिक को दिया करता था, लेकिन शिव गौंड ने किसानों से एकत्र किए गए 5,000 रुपए निखिल को ना देकर शराब पीने में खर्च कर दिए थे और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते निखिल ने शिव पर लकड़ी के डंडे से हमला किया और उसकी हत्या कर दी थी। इसमें निखिल पटेल को अरेस्ट किया गया है। मृत्यु का कारण जो मर्डर हुआ है उसका कारण यही है कि निखिल पटेल ने शिव सिंह को एक टास्क दिया हुआ था कि किसानों से हार्वेस्टर चलाने के लिए जानकारी लेगा, उनसे पैसे कलेक्ट करेगा और वो हार्वेस्टर के जो मालिक है उसको हैंडओवर करेगा। तो इस तरह का लगभग 5,000 का कलेक्शन शिव सिंह ने किसानों से कर लिया था, लेकिन वो निखिल को नहीं दिया था, उसने दारूखोरियों पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। इस कारण से दोनों का वाद विवाद हुआ और उसके चलते ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये ब्लाइंड मर्डर डिटेक्ट हो गया। पुलिस ने प्रकरण में निखिल की गिरफ्तारी की और उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है।